इस वर्षों का विश्वास 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को NSIT अ प्लेस टू इमेजिन इन्वेंट एंड इंस्पायर NSIT अम्हारा बेहटा पटना नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव मैं हूं अभिषेक मिश्रा क्या JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आप मिस कर रहे हैं मिस इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि कन्हैया कुमार लंबे वक्त से सुर्खियों में हैं खूब चर्चा में रहे हैं खूब खबरों में रहे हैं और कन्हैया की वजह से बेगूसराय की सीट जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं उसकी भी चर्चा पूरे देश में हुई है कन्हैया के लिए जो लोग प्रचार करने आए बिल्कुल हाई प्रोफाइल लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेमानी गुजरात के जो कांग्रेसी विधायक हैं वो आए तो इन हाई प्रोफाइल लोगों की वजह से बेगूसराय की सीट खूब चर्चा में रही गिरिराज सिंह से उनका मुकाबला हुआ तनवीर हसन से उनका मुकाबला है बेगूसराय की लड़ाई त्रिकोणीय रही है बेगूसराय में वोटिंग हो गई है और EVM में इन तीनों किरदारों की किस्मत कैद है लेकिन कन्हैया कुमार खूब सक्रिय रहे खूब एक्टिव रहे अपने पूरे चुनाव के दौरान रोड शो चुनावी सभाएं और लगातार हमलावर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यदा कदा कभी कभार तनवीर हसन पर भी सधे शब्दों में निशाना साधा भाषणों में कन्हैया कुमार खबरों में कन्हैया कुमार उनकी और उनका प्रचार सुर्खियों में लेकिन कन्हैया कुमार एकाएक गायब कहां हो गए हैं कन्हैया कुमार नजर नहीं आ रहे हैं उनके भाषण सुनाई नहीं देते उनके राजनीतिक हमले अब दिखाई नहीं देते सुनाई नहीं देते सोशल मीडिया के मंच से भी कन्हैया कुमार गायब हैं तो सवाल है कि कन्हैया कुमार अचानक गायब कहां हो गए हैं जो कन्हैया कुमार बेगूसराय में इतने सुर्खियों में रहे अपने चुनावी सभाओं में लगातार जुटे रहे पूरी ताकत झोंक दी अपनी जीत के लिए और अब कन्हैया कुमार एकाएक गायब हो गए हैं तो कहां गायब हो गए हैं कन्हैया कुमार ये बड़ा वाजिब सवाल है इसलिए मैंने कहा कि क्या आप कन्हैया कुमार को मिस कर रहे हैं तो इसका जवाब हम आपको देने जा रहे हैं उससे पहले हम आपको बता दें जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कन्हैया कुमार सोशल मीडिया के मंच से भी गायब हैं सोशल मीडिया के मंच से इसलिए गायब हैं कि हाल के दिनों में उनका कोई भी ट्वीट सामने नहीं आया है अक्सर वे अपने ट्वीट के जरिए भी निशाना साधते हैं उनका अंतिम ट्वीट 9 मई को आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जहां न चले मोदी के झूठ से काम वहां निकालो विरोधी कैंडिडेट के खिलाफ झूठा पर्चा बेनाम चुनाव में इस तरह की हरकतें करना गोडसे के चेलों की पुरानी आदत है यही बेगूसराय में भी हुआ और अब दिल्ली में भी हो रहा है तो कन्हैया ने अंतिम ट्वीट किया है 9 मई को और उसके बाद कन्हैया कुमार गायब हैं हालांकि 9 मई से पहले भी गायब हैं कहीं नजर नहीं आ रहे हैं कन्हैया कुमार जो कन्हैया कुमार इतने नजर आए इतने सुर्खियों में रहे आखिर कहां गायब हो गए बार बार ये सवाल आपके जहन में भी आता होगा तो हम आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनके प्रचार के लिए जाने वाले थे 8 और 9 मई को दिग्विजय सिंह का प्रचार करना था कन्हैया कुमार को लेकिन वे नहीं जा सके क्योंकि CPI ने कन्हैया कुमार को केरल भेज दिया है केरल में CPI के लिए प्रचार कर रहे हैं कन्हैया कुमार हमारे पास जो खबर है तो जाहिर है हमने आपको इस सवाल का जवाब भी दे दिया है कि कहां गायब हो गए हैं कन्हैया कुमार बिहार से तो जवाब यही कि CPI जो उनकी पार्टी है उन्होंने उनको केरल की जिम्मेवारी सौंपी है केरल भेजा है और कन्हैया कुमार केरल में CPI उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं उनको कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के प्रचार के लिए 8 और 9 मई को भोपाल जाना था नहीं जा सके क्योंकि पार्टी ने उनका कार्यक्रम बदल दिया वे केरल में प्रचार कर रहे हैं तो कन्हैया कुमार बिहार से गायब होकर केरल में पहुंच गए हैं और केरल में प्रचार कर रहे हैं बड़ी खबर और इस सवाल का जवाब भी कि कन्हैया कुमार कहां हैं तो इस खबर में इतना ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यार समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद